लिखो भाई, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और फ्रेश स्पेस पे लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि पहले का आपने जो भी लिखा होगा तो 50% हाजपच हो गया होगा अब तक, है ना? तो जो भी है बट फ्रेश स्पेस पे लिखिएगा प्लीज, बैक पेज में मत देखिएगा जो भी होगा। ये नहीं लगे मतलब देखने मिलाने क्या, कुछ ऐसा कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ हेडिंग ले लीजिए नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और कुछ कंपाउंड लिख रहे आप उसके नाम लिखिए। अच्छा भाई ये आराम से, इसके नाम लिखो भाई, यस कमिंग। आपको दिख रहा है भाई यहाँ तक? ये दिख रहा आप लोगों को? आपको नहीं दिख रहा है? नाइन्थ दिख रहा? नाइन्थ भी नहीं दिख रहा? एट भी नहीं दिख रहा? चलिए कोई बात नहीं, ऊपर लिख दूंगा चलेगा ना। एट तो आपका है, नाइन्थ है आपका, और टेंथ है आपका, दिख रहे हैं आपके? चलो अभी लिखिए मत आप लोग, बस करिए, देख लिया भाई आपने 10। आप बताओ भाई जेपी जी पहले का नाम क्या लिखा है? और सभी लोग बोर्ड पे देखिए प्लीज, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, मत लिखे छोड़ दीजिए आप लोग। पहले का नाम बोलो भाई जेपी जी। जब भी आप नेमिंग कर, सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग ऑफ और लो साइलेंट रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा इस ब्रैकेट से पहले कुछ है भाई यहाँ पे? समथिंग इज प्रेजेंट हियर, यहाँ कुछ भी प्रेजेंट
यानी कोई भी कटायन आपका नहीं है, बोले भाई दीपक जी। तो उसके बाद किसका नाम लिखेंगे जेपी जी? लिगेंड का। अब देखो आप इसमें लिगेंड होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है? बोलिए भाई, होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है अब्दुल जी? होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है? यदि होमोलेप्टिक टू है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं आप लोग? डाई। थ्री है तो? फोर है तो? फाइव है तो? सिक्स है तो? क्या लिखा था इसके लिए? हेक्सा अमीन। क्या लिखेंगे भाई? हेक्सा अमीन। लिगेंड का नेमिंग हो गया। उसके बाद नेमिंग किसका करेंगे भाई? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के दो केस होते हैं भाई। यदि आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो तो अलग कंडीशन लगेगा, यदि आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो तो उसके लिए सेंट्रल मेटल एटम का कौन सा नेम यूज किया जाएगा भाई? यदि आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो मेटल का नाम कौन सा नाम लिखेंगे? हाँ, सामान्य जो नाम होगा वही लिखा जाएगा। बट यदि कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो तो एट लगा देंगे, सीधी सी बात है, जोमेटो लगा देंगे, ये था कोलगेट। जब भी निगेटिव आएगा क्या लगा दीजिएगा भाई? गेट। अब देखो दोस्त, ये जब क्लोरीन अगर आप वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो डिसोसिएट होगा, तो ये निगेटिव आएगा तो इस पर क्या आएगा आपका? यानी भाई कॉमन नेम चलेगा ना, और कॉमन नेम बताइए भाई सी होगा कोबाल्ट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं भाई? जिसका निकलना उसका क्या मान लीजिए? वाट, ये अमीन कैसा लिगेंड है आपका? इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। क्लोरीन कैसा लिगेंड है आपका? निगेटिव। तो वन क्लोरीन पे माइनस वन, तो थ्री क्लोरीन पे। अब बताओ भाई, अगर क्लोरीन पे माइनस थ्री होगा कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? तभी तो न्यूट्रल होगा ना भाई। यदि आपका ये माइनस थ्री है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा आपका? प्लस थ्री। यानी यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप लोग? रोमन नंबर लिखा जाता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, शायद शायद नहीं, सही है। ऑक्सीडेशन नंबर किसमें लिखते हैं? उसके बाद किसका नाम लिखेगा भाई दीपक जी? एनायन का। क्या नाम लिखेंगे दीपक जी? ट्राई क्लोराइड। आप बोलो भाई क्या नाम लिखेंगे एनायन का? जी, सिर्फ क्लोराइड लिखा जाता है। फिर क्या लिखेंगे दीपक जी? क्लोराइड। क्यों लिखेंगे सिर्फ क्लोराइड? क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है ना, ब्रैकेट के आउटसाइड है ना, तो सिंपल जो भी कटायन एलायंस होगा वही लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स जब इनसाइड होगा तब हम उसके नाम को चेंज करेंगे। जैसे अगले का बताइए आप लोग नाम क्या लिखा जाए? अच्छा, यह होमोलेप्टिक है कि हेट्रोलेप्टिक है? हेट्रोलेप्टिक है ना। अगर हेट्रोलेप्टिक है तो नेमिंग में क्या किया जाए भाई? अल्फाबेट। क्या किया जाए भाई? कौन पहले आएगा इसमें? एक्वा। क्या लिखे फिर बताइए? टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम। बहुत सही। क्रोमियम क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा भाई? पॉजिटिव। ऑक्सीजन नंबर बता दिया आप लोग भाई? वन क्लोरीन पे, दो क्लोरीन पे और वन एनओ थ्री पे। ओवरऑल आपका माइनस थ्री आ रहा है, मेटल पे क्या आ जाएगा आपका भाई? यही यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे फिर आप? और यहाँ क्या लिखा जाए? एनओ थ्री है ना, एनओ थ्री के लिए क्या लिखते हैं भाई? नाइट्रेट। एनओ थ्री के लिए मत लिख दीजिए पहले। अगले का नाम बताइए अब आप लोग। होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है? क्या यूज करेंगे भाई? अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? अमीन। कितने हैं भाई? क्या लिखेंगे आप लोग? टेट्रा अमीन। अब क्लोराइड लिखेंगे या क्लोराइडो? क्लोरीन देखिए आपका यहाँ भी कहा तो सर क्लोराइड लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। क्यों क्लोराइडो लिखोगे? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के। क्या लिखेंगे भाई? कितना एक ही है ना, क्लोराइडो। और फिर सॉरी नाइट्राइड।
NO2 है ना, क्या बोलते हैं भाई? तो नाइट्राइट की जगह क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो, क्या हो जाएगा भाई आपका? नाइट्राइटो। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखा जाएगा? सियोर है, कोबाल्ट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भैया? देख लीजिए आप, ये -1 -1 और कितने माइनस आ रहे हैं आपके, इसमें क्या आ जाएगा आपको? और यहां क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। क्या लिखा जाएगा भाई? नाइट्रेट। इसका नाम बताओ भाई, बोलिए भाई, क्यों ट्रेस लिखेंगे? तीन है तो ट्राई लिखा जाएगा ना? यस सर। तीन है तो क्या लिखते हैं? इसलिए हमने कहा कि तब मत प्रतिदाब, उसी परेशान है तब से, ठीक है भाई। इसका नाम बताइए आप लोग, क्या होता है इसके नाम में? डाई लगा हुआ है ना, फिर से सुनिए, इसके नाम में ऑलरेडी डाई लगा हुआ है ना। तो सर अगर हम फिर भी अगर डाई ट्राई यूज करेंगे, कंफ्यूजन ये होगा कि ये जो डाई आप लगा रहे हैं वो एथिलीन के लिए है या फिर अमीन के लिए, फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसीलिए सर यहाँ पे अगर 2 है तो क्या यूज करेंगे? 20। और 3 है तो क्या लिखें बताइए? ट्रीस, चाहे से ब्रैकेट कर सकते एथाइलीन डाई अमीन। आप बताओ भाई कैसा है आपका, क्या लिखा जाए? ऑक्सीडेशन नंबर बता पाएंगे आप लोग? और यहां बोलिए, बोलिए भाई, सही लिखा है नहीं सही लिखा है? अगले का नाम बताएंगे आप लोग फिर? वाह, हेक्सा एक्वा। देखा जाए एक्वा कार्ड भाई, जब आप सेंट भी उधर है ना, आपके साथ आते हैं हेक्सा एक्वा क्रोमियम। आप सदस्य नंबर बोलिए, क्या लिखा भाई आप लोग? वैसे यहां बोलिए आप, तो 4 तो टेट्रा लिखेंगे पोटेशियम, बोलिए भाई, पोटेशियम टेट्रा साइनाइड साइनाइडो, बोलिए भाई, इसलिए बता दो कमांडो साइनाइडो, क्यों भाई? टेट्रा साइनाइडो। लेकिन अब निकल का ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? हाँ निकले, देखो बोले पगले। और ऑक्सीडेशन नंबर बताओ भाई, ये कैसा लिगेंड है? 0। ये निगेटिव है या पॉजिटिव, कैसा लिगेंड है ये? साइनाइड पे कितने माइनस होते हैं? तो देखिए यहाँ 4 माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे ए भाई ए, यहाँ बताइए या फिर आप लोग बाहर चले जाइए, समझ के तब आइएगा, गुस्सा मत लीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने इसीलिए पहले कहा कि मत लिखिए, इधर फोकस करिए ताकि सभी लोगों के एक साथ आ जाएगा। मान लीजिए अगर हचपच होगा तो इनको भी समझ में आ जाएगा, कोई टॉपर होगा उनको भी समझ में आ जाएगा कि भाई देखिए 1 पोटेशियम, आपने सर लिखा बताया कि अल्कली मेटल के कितने होते हैं भाई? तो 4 है तो, और साइनाइड पे कितने आते हैं? -1, ये भी 4 है तो अभी की -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा भाई आपका? यहाँ नहीं, वो ये नहीं बोला जाएगा सर 0 होता है नहीं होता, जो अभी फिलहाल लिखा जाएगा। अब यहां देखिए भाई नाम क्या लिखा जाए, क्या यहां लिखा जाएगा? 3 है तो कुछ उसके लिए पोटेशियम, उसके बाद हेक्सा नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो हाँ कोबाल्टेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, रोमन नंबर में लिखा जाएगा ना? अब ये नहीं दिख रहा वहां, 8 नंबर दिख रहा वहां पे, बोलिए भाई, बोलिए 8 नंबर का नाम क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ सोडियम पोटेशियम भैया, वैसे क्या हो वहां पे? लिथियम। तो ये हो जाएगा लिथियम। उसके बाद अगर H हाइड्रोजन पे माइनस है, क्या भाई क्या बोलते हैं उसको? हाइड्राइड, क्या बोलते हैं भाई? कभी आप 1:2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पढ़ी है आप सीबीएसई बोर्ड? जब H पे माइनस आता है तो हाइड्राइड बोलते हैं, जब H पे माइनस आता है तो क्या बोला जाता है भाई? हाइड्राइड। तो यहां देखिए कितने हाइड्रोजन आपके?
क्या बोले भाई उसके लिए? टेट्राहाइड्राइडो। क्या बोले भाई उसके लिए? टेट्राहाइड्राइडो। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा, पॉजिटिव है या निगेटिव है? क्या लिखा एल्युमिनियम के लिए बोलिए? ऑमलेट नहीं, एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? क्योंकि लिथियम पे प्लस होता है, हाइड्रोजन पे माइनस होता है, हाइड्राइड है ना, एच माइनस होगा। वैसे नेक्स्ट होते भाई नाइन्थ वाला, क्या आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव होता है। नॉलेज के लिए याद रखिएगा, मुझे तो नहीं पता, शायद यही होता है। NH3 को क्या बोलते हैं भाई? अमोनिया। NH4 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। नहीं सुने आप लोग? अमोनियम तो सुने ही होंगे, NH4 पॉजिटिव। देखिए आप ये सोडियम लिखे, आप तो क्या सोडियम प्लस लिखा है, पोटेशियम प्लस लिखा है, सिर्फ के लिखा है ना, वैसे ही NH4 है वहां पे। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, क्योंकि NH4 को अमोनियम बोलते हैं, जैसे सोडियम भी पॉजिटिव होता है ना, सोडियम अमोनियम अमोनियम। फिर क्या आएगा भाई आपका? अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स क्या आएगा आपका? और ये क्या लिखा है आपका? ये क्या लिखा है इसके लिए? और HCN लिगेंड का नाम? बहुत सही, थायोसाइनेटो। थायो साइनेटो। और प्लेटिनम के लिए क्या लिखे भाई? बहुत सही, प्लेटी नेट। और ऑक्सीडेशन में बताइए, देखिए एक अमोनियम का प्लस वन होता है, दो अमोनियम है तो, और प्लेटिनम का और सल्फर का माइनस वन होता है। तो देखो भाई कितना बचेगा यहां पे? फोर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स से बाहर भी कुछ है? अगला बताइए भाई आप लोग, 10 नंबर। सबसे पहले क्या भाई आपका? पोटेशियम। बोले भाई उसके बाद? ट्राई ऑक्जेलेटो, इसे हमने कहा जोमाइटो। देखिए ऑक्जेलेटो, फिर बोलिए भाई फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे क्या आप लोग? बोलिए भाई ये आएगा क्या? इसमें से आपने किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो ऑक्सीडेशन नंबर में या किसी रूल में, तो आप पूछ सकते हैं। अब्दुल जी आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। ये आपको लग रहा है सर ऐसे नहीं, ऐसे लिखते तो और अच्छा होता, समझ रहे हैं भाई? आप में किसी को जी पहले स्टैंड अप हो जाइए जी। जब आएगा तो निकालिएगा, फिर बात कीजिएगा। नहीं मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, लेकिन अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जब निगेटिव आएगा तो फिर सर बोलिएगा सर डाउट है पूछना है क्वेश्चन, तो लाइए पहले बैठ जाइए, गुस्सा मत होइए, क्वेश्चन ढूंढ के लाइए। हाँ फिर से बोलिए। जल मुझे ये बताइए कि जल जो है वो पॉजिटिव लिगेंड है, निगेटिव है, न्यूट्रल है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में कॉमन नेम चलता है ना, उसमें कहाँ ओ लगाते हैं? वाटर अगर न्यूट्रल है ना, उसमें कॉमन नेम ही चलेगा ना आपका, निगेटिव होता तब ओ लगाते हैं जी। अगर वो OH माइनस होता तो हाइड्रोक्साइड बोलते, तो हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड हो जाता। आपने जो बोला क्वेश्चन सर का गलत नहीं है, लेकिन आप उसने क्वेश्चन झूठी है, बस समझ रहे हैं? आपका डाउट गलत नहीं है, बट उसने का क्वेश्चन झूठ गलाइए, अब बनाइएगा मुझे क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? भैया उधर लास्ट में आपको इसमें कहीं कुछ पूछना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ऑब्सेंट रहे हो? अच्छा ऑब्सेंट थे आप, इसीलिए उतने आराम से बैठे हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए इतने एग्जाम्पल है ना, आप इसको जनरल समझिएगा,
जब भी आप नेमिंग कीजिएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, सबसे पहले आप कटायंस का नाम लिखते हैं, और जो भी कटायंस होंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में रहेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट तो आप समझ पा रहे हैं ना, यदि कोई भी कटायंस होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में होगा। तो सर सबसे पहले आप कटायंस का नाम लिखिएगा। अब देखिए यहां पे लेफ्ट में कुछ भी है, यहां पे पहले में, यहां देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में, यहां देखिए भैया लेफ्ट में, यहां देखिए लेफ्ट में है, देखिए आप। अब अपने से बोलिए लेफ्ट में किस किस क्वेश्चन में है। 6, 7, 8, 9, 10 यहां देखिए मैं ऊपर लिख दिया 8, 9, 10। अब देखिए यहां पे ये पोटेशियम एल्युमिनेट के क्या लिखा भाई, के 4, के 4 है ना। जब आप नेमिंग कीजिएगा सिर्फ एक का नाम लिखना है, सिर्फ कितने का भाई, एक का, वो भी पोटेशियम लिखना आपको। ओनली ओनली क्या लिखना भाई आपको, वो चाहे 4 हो 3 हो 2 हो 1 हो से कोई मैटर, सिर्फ आपको क्या लिखना भाई, इतना समझ गया। तो यहां के लिए क्या लिखेगा पोटेशियम, यहां पे क्या लिखेगा भाई पोटेशियम, जबकि यहां क्या लिखिएगा आप लिथियम, और यहां क्या लिखिएगा आप अमोनियम, NH4 है ना, क्या लिखेंगे इसके लिए अमोनियम, इतना समझ गया। उसके बाद लिखते हैं लिगेंड का नेम, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे भाई, लिगेंड का। किसी भी यदि ब्रैकेट में लिगेंड की संख्या 2 हो, सेम टाइप का हो, बट जैसे आपने कभी IUPAC पढ़ा होगा मिथाइल बोलते हैं, वन साइड ब्रांच है, बट अगर सेम टाइप का 2 साइड ब्रांच है तो क्या मिथाइल मिथाइल लिखते हैं या डाई मिथाइल लिखते हैं। तो अगर आप कहीं भी सेम टाइप का मिले 2, तो डाई मिथाइल 3 मिलेगा तो, 4 मिलेगा तो, 5 मिला तो, 6 मिला तो हेक्सा, ये समझ गया। अब आपने IUPAC पढ़ा होगा कि सर अगर कहीं पे क्लोरीन भी हो और ब्रोमीन भी हो, नाम लिखते समय क्या यूज कीजिएगा वहां पे, अल्फाबेट। IUPAC आपने पढ़ा होगा कि यदि डिफरेंट लिगेंड आपके हैं तो नेमिंग करते समय क्या लिखते हैं भाई, अल्फाबेट। जो अल्फाबेट पहले आएगा उसका नाम पहले लिखिएगा, सेम वही सी पैटर्न पे। देखिए यहां पे सेम टाइप का है तो हेक्सा एक्वा लिखेंगे, सॉरी हेक्सा अमीन लिखेंगे। अब यहां देखिए डिफरेंट लिगेंड है ना, ये देखिए आप तो सिर्फ सीएल का तो नाम जानते ही होंगे, और वाटर को एक्वा बोलते हैं, जैसे आपने एक्वा गार्ड का नाम सुना होगा, तो वाटर के लिए होता ना एक्वा, उसे याद रखिएगा कि वाटर के लिए क्या लिखेंगे भाई, एक्वा, और क्लोरीन के लिए जो भी आएगा। अल्फाबेट पहले कौन आएगा, ए आता है या सी आएगा, ए। फिर लिखा गया भैया टेट्रा एक्वा, और अगर 2 है तो डाई क्लोराइडो, इतना समझ गया। अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में आपका निगेटिव है ना, क्या ये तो जानते हैं ना कि सर NO3 पे निगेटिव चार्ज जाता है कभी भी, तो अगर यहां निगेटिव आएगा तो सर स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये निगेटिव है ये प्लस होगा तभी जाके आपका आयन मेंटेन होगा, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका पॉजिटिव, तभी आपका आयन मेंटेन होगा, वरना फिर आयन मेंटेन। यदि आपके जो ब्रैकेट है उसमें पॉजिटिव आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट पे तो कॉमन नेम लिखा जाएगा, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, गैलियम, मरकरी, जो भी है कॉमन नेम लिखा जाएगा। देखिए मैंने उसका कॉमन नेम लिख दिया। अब देखिए यहां पे जो 6 फोर नंबर है, यहां देखिए आपका कटायन आ गया ना, वो अपने मन से आप बताइए कि पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है, अगर यहां पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज आएगा, बस यही आपको याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट पे निगेटिव चार्ज हो तो सर उस वक्त सेंट्रल मेटल का नाम कॉमन नहीं लिखा जाता है, उस पे 8 लगा दिया जाता है, कुछ में 8 बैठेगा कुछ में 8 नहीं बैठेगा, उसी पैटर्न में देखा जाएगा। जैसे मरकरी है तो मर्क्यूरेट हो जाएगा, और जिंक है जिंकेट हो जाएगा, निकिल है निकेलेट हो जाएगा, प्लम्बम है प्लम्बेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनेट हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद फिर लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है क्या। हाँ देखिए अगर आयरन है निगेटिव, अगर स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो उसको फेरेट लिखते हैं, फेरेट। वैसे आप आयरन भी लिख सकते हैं, फेरम भी लिख सकते हैं, IUPAC में कॉमन नेम, बट अगर निगेटिव आ गया तो फेरेट बोलेंगे। मैक्सिमम आयरन ही लिखा हुआ मिलता है, फेरम बहुत कम मिलता है, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई।